आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो सर्वनाम प्रोनाउन, जो कि छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाते हैं, और खासकर कक्षा 10 में CBSE पद परिचय में सर्वनाम का विशेष रोल है। तो आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से पूरा देखेंगे। एंटी गढ़ वाले चैनल सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी आप तक सूचना पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास है टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सर्व मने सबके, नाम मने नामों के लिए, सभी के नामों के लिए। सर्व मने होता है सभी के, सर्व प्लस इसको अगर हम करते हैं तो सर्व जमा नाम है। सर्व जमा के नाम का मतलब होता है सबके नामों के लिए, सबके नामों के लिए। तो सबके नाम के लिए क्या होता है, सबके नाम के लिए संज्ञा की जगह या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा की जगह यूज करना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, सर्वनाम कहलाता है, सर्वनाम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, ठीक है। अब संज्ञा जो है, जैसे हमने लिखा राम स्कूल जाता है, फिर राम घर जाता है, घर जो है आया, राम कई बार है, राम ने स्कूल से आकर खाना खाया। तो यहां पर राम जो है एक बार हुआ है, दो बार यूज हुआ है, तीन बार यूज है, बार बार राम यूज हुआ है। तो राम की जगह आप क्या करेंगे, वह। तो पहले किया राम स्कूल जाता है, उसके बाद राम घर आया, घर आया नहीं, उसके बाद यह राम घर आया, तो यह वह घर आया। राम की जगह क्या यूज करा हमने, वह घर आया। और उसकी जगह फिर राम ने स्कूल से आकर खाना खाया, उसने स्कूल से आकर खाना खाया, उसने इसी की जगह आपने यूज कर लिया, उसने स्कूल से आकर खाना खाया। ये सारे जो है वर्ड हैं, जो अंडरलाइन जो है, ये सर्किल बना रखा था हमने, ये राम राम राम, और राम की जगह हमने अब ये प्रोनाउन वर्ड सर्वनाम शब्द वह यूज हुआ, उसने यूज हुआ। तो संज्ञा अर्थात नाम के जगह पे, नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के विशेष और रूप हैं, जैसे उसकी ट्रिक है क्या क्या सर्वनाम कैसे कैसे, सर्वनाम के जो है भेदों की, सर्वनाम के जो है कैसे करके, ठीक है। इसमें ट्रिक नंबर वन है, मैं हम तुम मिलकर पेड़ लगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, वह वे उसे देखकर आनंदित होंगे। ये जितने भी जो है सर्किल वाले अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये सारे प्रोनाउन है। कौन कौन है, मैं, इसके प्रोनाउन है हम, मैंने, यहां पर मैंने भी नहीं है, लेकिन मैंने, हमारा, हमको, तुम, तुम्हारा, तुमको,
तुम्हारा वह वे उन्हें उनकी आदि जितने भी वर्ण हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये संज्ञा की जगह अगर यूज होते हैं, ये सारे जो है आदि, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। क्या है ये सारे? सर्वनाम शब्द हैं। ये सारे क्या हैं? सर्वनाम, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, मैं हम तुम मिलकर पेड़ लगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, वह वे उसे देखकर आनंदित होंगे, मैं हम मैंने हमारा हमको तुम तुमको तुम्हारा वह वे उन्हें उनकी, ये सारे वर्ड्स जो है वो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब सर्वनाम के भेदों के बारे में भी हम ट्रिक से याद करेंगे। सर्वनाम के भेद कैसे? सर्वनाम के भेद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कई बार बच्चे जो है उस पर कंफ्यूजन होते हैं कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक बनी हुई है, मैंने ट्रिक तैयार करी है ताकि आपको अच्छी लगेगी, तो जरूर देखिए और उसको। अगर पुरुष निश्चय कर ले तो कोई अनिश्चय का प्रश्न ही नहीं उठता, उसका निज संबंध सुधर जाएगा। तो ये जो है पुरुष अंडरलाइन कर दिया मैंने, निश्चय अंडरलाइन कर दिया, ये भी अनिश्चय एक अंडरलाइन कर दिया, प्रश्न अंडरलाइन कर दिया, निज अंडरलाइन कर दिया और संबंध अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह से सर्वनाम के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रूप हो गए, 6 इसके भेद हो गए। तो पहला भेद हो गया आपका सर्वनाम का, पहला भेद हो गया क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा रूप हो गया हमारे पास निश्चय वाचक सर्वनाम, और तीसरा हो गया हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चौथा हो गया हमारे पास प्रश्नवाचक, ये है पुरुष निश्चय अनिश्चय रह गया, सॉरी बीच में अनिश्चय भी रह गया, उसको अनिश्चय को चौथा में लिख दिया। तीसरा सॉरी अनिश्चय रह गया, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, और चौथा रह गया हमारे पास प्रश्न वाचक सर्वनाम, और पांचवा हमारे पास हो गया निज वाचक सर्वनाम, और छठा हो गया हमारे पास संबंध वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब इनकी एक एक करके इन 6 की डेफिनेशन हम पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में पुरुष में तीन तरह के जवक्ता, इसमें तीन तरह की बातें होती है। पहला इसमें बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है पहला वक्ता होता है बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, और दूसरा होता है सुनने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके वक्ता जिसके संबंध में या लिखे जिसके बारे में बात करता है, उसके बारे में जिसके बारे में बात की जाती है उसके बारे में। पहला सुनने वाला, इसमें तीन तरह के पुरुष होते हैं, जो बात करता है उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में सबसे पहला आता है सिंगुलर में मैं आता है, और हम आता है, मेरा आता है, हमारा आता है, ये उत्तम पुरुष में आता है। दूसरा आता है
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? मध्यम पुरुष में आपका आता है तुम, मतलब मध्यम पुरुष बोलेंगे उसको मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला। और मध्यम पुरुष में क्या होगा? तुम, तुम्हारे, तुमको, ये सारे मध्यम पुरुष में आएंगे। और तीसरा पुरुष आता है आपका अन्य पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसको अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे, उन्हें, उनको, ये सारे अन्य पुरुष में। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष कहते हैं। बोलने वाला उत्तम पुरुष, हम, मैं, हम, मेरा, हमारा, जो भी, इससे रिलेटेड जो वक्ता बोल रहा है। सुनने वाला तुम, तुमको, ये सुनने मध्यम पुरुष होता हो। और अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वह थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष, वह, वे, उन्हें, उनको। ठीक है, ये आ गया पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम क्या हो गया? जो शब्द सर्वनाम जो है, शब्द क्या हो गया? निश्चित, निश्चित व्यक्ति, निश्चय व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। बोध मैंने जानकारी देना, बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए ये, इनको, इन्हें, वह, वे, उनको। जो ये तीनों वर्ड है, ये समीप के लिए, पास के लिए, दो तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। ये पास के लिए, समीप वालों के लिए यूज होते हैं, समीप की चीजों के लिए। और वह, वे, उनको, दूरस्थ चीजों के लिए, दूर की चीजों के लिए, दूर की चीजों के लिए जानकारी देने के लिए, दूर की चीजों की जानकारी देने के लिए वह, वे, उनको का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, यह जो घड़ी है वह उसकी है। देखो, वह उसकी है इंडिकेट कर रहा है, यह जो घड़ी है वह उसकी है, घड़ी है। ठीक है, शर्मा जी का घर, किसी का शर्मा जी का घर, घर यह, ये नजदीक के लिए इंडिकेट कर रहा है, यह नहीं है वह है। तो ये अंडरलाइन और ये जो सर्किल है, सर्किल वाला क्या है, ये समीप को इंडिकेट कर रहा है। और वह जो हमने अंडरलाइन कर रखा है, ये दूर, दूर को जो है, दूर चीज के लिए वह आता है। तो वह दूर के लिए दैट, और दिस मैंने यह पास के लिए आता है, यह दूर के लिए आता है। विश्वास ना हो तो यह तुम भी खा लो, ये पास के लिए है। सामने जो घर, सामने जो घर है वह मेरा है। देखो, ये दूर के लिए इंडिकेट हो रहा है, सामने जो घर है वह मेरा है। तो यह ये, इनको, ये सब, यह, ये, इनको, इन्हें, ये पास की चीजों के लिए आते हैं। जबकि वह, वे, उनको, उन्हें, ये दूर की चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, शब्द से जानकारी मिल रही है, अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम
जो निश्चित न हो, जो जिन शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु, जिन शब्दों से किसी अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता हूं, का बोध कराते हो। जो शब्द या जिन शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हो, जो शब्द जो है उन शब्दों को क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। जैसे उदाहरण लिखा, उदाहरण में कोई, किसी और कुछ। जो कोई और किसी है ये प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है, कोई किसी प्राणियों के लिए, कोई कौमा किसी, ये प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है, प्राणियों के लिए प्रयोग होता है। ये जो शब्द है ये प्राणियों के लिए प्रयोग होते हैं। और जो कुछ है, कुछ, ये कुछ जो है वो पदार्थों के लिए प्रयोग होता है, पदार्थों के लिए प्रयोग होते हैं, प्रयोग होता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, ये कोई जो है वो प्राणी के लिए आ रहा है ये। और दूसरा है ये कोई किसी, दोनों वर्ड है। बाहर जाओ, और कुछ खा लो, बाहर जाओ और कुछ खा लो, कुछ खा लो, ठीक है। किसी ने हमारी दरवाजे की घंटी, ठीक है। इसी तरह से कोई किसी प्राणियों के लिए, कुछ पदार्थों के लिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर जाओ और कुछ खा लो, ये सारे जो है वर्ष अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं। आशा करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।